अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ। हम बनाने लगे पकौड़े अर्जेंट अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। मौसम अच्छा हो गया है, बारिश हो गई है, बस बारिश होते ही पकौड़ों की फरमाइश होने लग जाती है। यहाँ मैंने सारे सब्जियाँ काट ली हैं, आलू प्याज टमाटर डाला है, हरी मिर्चें धनिया, और ये मैं पकौड़ा मसाला जो मैंने स्पेशली बना के रखा हुआ था वो डाला है। बेसन डाला, पानी डाला है, एक चुटकी मीठा सोडा डाला और इसको हम कर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे स्पून से, हाथ से, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हो। रात का टाइम है, तकरीबन 8:30 बज रहे हैं, खाने का टाइम है। अब साथ साथ हम रोटी बना रहे हैं गरम गरम, साथ साथ हम पकौड़े तल रहे हैं। मेरे हस्बैंड हैं जिनको साथ मैंने खड़ा किया है कि आप मेरी हेल्प करें, क्योंकि खाने में हम खाने के साथ खा रहे थे, सालन बना हुआ था, साथ बस पकौड़ों का मूड हो गया, तो बस बना रहे हैं। अच्छा, जिस कंप्लीट रेसिपी फिर कभी रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अभी ये है कि जो मैंने क्विकली भी बनाए हैं तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी और फूले फूले हुए बने हैं, यानी कि सूखे हुए या कड़क कड़े हुए नहीं बने, जैसे सूख जाते हैं ना वो जीप खाने में। लेकिन ये अच्छे, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर डाला था, अगर पालक वगैरह ना भी होता और टमाटर डाल लें तो उससे भी अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। पकौड़ों का फूले फूले हुए लगते हैं, क्रंची क्रंची। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमने साथ बनाई है इमली की चटनी और हम सारे टूट पड़े हैं पकौड़ों पर।